हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। ये मेरा गुड़हल का पौधा है। गुड़हल हिबिस्कस और कई नामों से जाना जाता है। देखिए, ये पौधा मेरे टेरेस गार्डन में लगा हुआ है और इसको मैंने 3 अलग अलग कलर की ब्रांचेस पे ग्राफ्ट की हैं। इसी साल पूरी तरह से सक्सेस हो गई हैं और लगभग 2 महीने हो गया मैंने इसको पूरी तरह से धूप में रख दिया है और यह पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है। तीनों ग्राफ्टिंग पूरी तरह से 100% सक्सेस हो गई हैं। और आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के पौधे पे ग्राफ्टिंग से पहले आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आप गुड़हल के पौधे में इसी तरह ग्राफ्टिंग कर सकें। यदि आपको पसंद हो अपने गार्डन में इसको जगह देने की, तो उसके लिए आपको कुछ पहले से तैयारियां करनी होती हैं। आपके पास गुड़हल का जो मदर प्लांट नहीं कहेंगे, रूट स्टॉक, उसके लिए आपको एक साल पहले से ही पौधे को तैयार करना रहता है, जो कि देसी वैरायटी का होना चाहिए। उस पर जड़ों का विकास अच्छे से हो जाएगा। एक साल पुराना पौधा हो तैयार किया हुआ कलम से, और उसके बाद फिर जब उस पर एक साल में बढ़िया जड़ विकसित हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट ईयर हम उस पर ग्राफ्टिंग करेंगे। ये एक साल पुराना पौधा है, देखिए मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की है, पूरी तरह से सक्सेस हो गया है। ये देखिए, ये दूसरी ब्रांच है। 3 अलग अलग ब्रांच हैं, अलग अलग कलर की मैंने ग्राफ्टिंग की है। जब फ्लावर आएगा उसका अपडेट मैं आपको दूंगा, देखिए। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो फिर चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप भी अपने गार्डन में नए नए शोध कार्य करते रहें। यदि आप इच्छुक हों तो, मैं तो करता हूँ। और नीचे की कुछ ब्रांचें जो रूट स्टॉक से निकलती हैं उनको हटाते रहना चाहिए इस तरह, क्योंकि ये भोजन को सीधी तरह से जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वहाँ तक पहुँचने नहीं देती, ये ऑब्जर्व कर लेती हैं। इसकी वजह से पौधा सूख सकता है, खराब हो सकता है। अब मैं आपको वो पौधे दिखाऊंगा जो मैंने नेक्स्ट ईयर ग्राफ्टिंग के लिए इस साल पहले से तैयार कर रखे हैं। मैं नेक्स्ट ईयर उन पे मल्टी कलर ग्राफ्टिंग करूंगा। जितने कलर के कल में मुझको मिल जाएंगे उतने कलर ग्राफ्टिंग करूंगा। देखिए, ये मेरे कुछ पौधे हैं, 4-5 पौधे मैंने तैयार कर रखे हैं। इनको मैं अगले साल इन पर मल्टी ग्राफ्टिंग करूंगा, जिसका अपडेट आपको आगे मिलेगा। और यदि मेरे चैनल को दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, ग्राफ्टिंग का अपडेट आपको आगे दूंगा। और अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।